नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में दो तीन नए सुराग मिले हैं, दो तीन ऐसे गवाह सामने आए हैं जिससे इस मौत की मिस्ट्री के ऊपर से कई चीजें बिल्कुल दिन के उजाले की तरह साफ होती चली जा रही हैं। वो थ्योरी जो मुंबई पुलिस ने फैलाई, वो शिवसेना के लीडर्स, महाराष्ट्र की सरकार जो सुशांत सिंह राजपूत को बता रहे थे कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार था, वो एक मानसिक रोगी था, इस थ्योरी के परखच्चे उड़ गए हैं। और तो और, किस तरीके से रिया चक्रवर्ती ब्लैक मैजिक करवा रही थी, उसका पहला सबूत दुनिया के सामने आ गया है। वो स्पिरिचुअल हीलर जो ब्लैक एंड व्हाइट मैजिक करने वाला, जो हाथ से एनर्जी देकर लोगों का इलाज करने वाला पोंगा पंडित, वो सामने आ गया है। और तो और, यह भी पता चला है कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत ने अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त, जो पवित्र रिश्ता सीरियल का डायरेक्टर रहा है, उसने मौत के ठीक 13 दिन पहले बातचीत की। इन लोगों में क्या बातचीत हुई, उसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। ये स्पिरिचुअल हीलर की कहानी क्या है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दुनिया जिस चीज का इंतजार आज सोमवार को कर रही थी, सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ थी। और सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं किन कारणों की वजह से इन्होंने आज फैसला सुनाने में देरी लगा दी। आज ये फैसला नहीं आया तो दुनिया भर में करोड़ों लोग आज बहुत ही मायूस हुए हैं। और अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आखिर इतना विलंब क्यों कर रही है, क्योंकि ये इसलिए इतना सीरियस मसला है। और शायद सुप्रीम कोर्ट के जज साहबों को इसका इल्म तक नहीं है कि जो लोग अब तक 50 से 60 बहुत ही इंपॉर्टेंट गवाह दुनिया के सामने बड़ी हिम्मत से अपनी जान हथेली पर रखकर टीवी कैमरे के सामने हकीकत को उजागर करने की जो कोशिश की है, उनको एक तरफ धमकियां मिल रही हैं, उनको मार के खत्म करने के फोन कॉल्स आ रहे हैं, किसी किसी को घर के फैमिलीज को भी धमकी भरे फोन आ रहे हैं। और इस बीच जब माहौल मुंबई के अंदर गुंडागर्दी का बनता चला जा रहा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसमें तो सिर्फ सीबीआई प्रोब होना है या नहीं होना है, इस मात्र का फैसला लेना है, लेकिन इसमें भी इतना ज्यादा विलंब हो रहा है, उससे कई सारे सवाल अपने आप खड़े हो रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने सुनवाई के दौरान खुद कहा था कि एक एक पल इस केस में बीतता जाने का मतलब यह है कि सबूत गायब होते चले जाएंगे, क्योंकि ये लोग जो सामने आ रहे हैं, जो दलीलें दे रहे हैं, वो आप ये सारे जो जिन लोगों ने इस मौत की साजिश रची है, उन लोगों को आप मौका दे रहे हैं उसका डिफेंस तैयार करने का, सबूतों को मिटाने का। वो काला बैग अब पता नहीं किस हाल में होगा, जो सुशांत के कमरे से सारे सबूतों को लेकर उस दिनेश नाम के शख्स ने उसे बाहर ले गया, वो काला बैग जिसमें बहुत सारे सबूत बताए जा रहे हैं, उसका भी अता पता ठिकाना कुछ नहीं मिलने वाला है। और जिस तरीके से गवाहों के ऊपर लगातार दबाव दिया जा रहा है, उसे धमकी दी जा रही है, तो कई सारे गवाह अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर हो गए हैं। कहने का मतलब यह है कि सीबीआई अगर इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू भी करती है और अगर ये विलंब होता चला जाएगा तो सीबीआई के पल्ले भी कुछ नहीं पड़ने वाला है। और इसी वजह से, चूंकि ये मसला कोर्ट में फंसा हुआ है, न सरकार कुछ कर पा रही है, न सरकार के मंत्री कुछ कह रहे हैं, न सीबीआई जिस गति से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए उसमें कुछ कर पा रही है, क्योंकि जैसे ही ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा, सीबीआई की एसआईटी मुंबई पहुंचेगी, मुंबई आधमकेगी। अगर ये परमिशन, ये इस तरह की बातें, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में रुका रहेगा और सीबीआई के लोग वहां जाते हैं, तो पता नहीं उद्धव ठाकरे की सरकार उन्हें कहीं क्वारंटाइन न कर दे, उनके पास कोई अधिकार, ये एक अलग बवाल शुरू हो सकता है। और इसलिए सारे लोग, इसको कह सकते हैं कि लोगों का पेशेंस धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। वो तो कोरोना काल है ये, इस वक्त लोगों को कोरोना से बचना है, अदरवाइज यकीन मानिए मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, देश के हर शहर में
आज आंदोलन हो रहा होता कि इस केस में जो है न्याय मिले, सुशांत की मौत के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें सलाखों के पीछे फेंका जाए। ये सारी चीजें हो रही हैं और ये एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग विलंब जिसको कह सकते हैं कि लोग अब उनका पेशेंस जो है वो खत्म हो रहा है, सिस्टम से विश्वास उठता चला जा रहा है कि अगर आप इस मसले को अगर घसीटते चले जाएंगे तो ये तो पैसे वाले हैं, इनके पास तो पॉलिटिकल पावर भी है, इनके पास रसूख है, इनके पास मसल पावर भी है, अंडरवर्ल्ड के लोग इनके साथ हैं, ये पता नहीं क्या कर गुजरेंगे इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और खुदा ना खास्ते किसी कोई अनहोनी की वजह से कोई बहुत ही महत्वपूर्ण गवाह उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो इसके लिए क्या सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार होगी? क्योंकि सवाल सिर्फ सुशांत की मौत, सुशांत के साथ न्याय या फिर जो जिन लोगों ने साजिश रची है सिर्फ उनका मसला नहीं है, ये मसला इससे भी कहीं ज्यादा है। ये सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, महाराष्ट्र की सरकार, केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है कि लोगों का यकीन, लोगों का विश्वास हमारे सिस्टम, हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है, हमारा जो पुलिसिंग सिस्टम है उसमें बना रहे। उसके लिए ये केस सुशांत की मौत का जो की जो मिस्ट्री है उसका सॉल्व होना अत्यंत आवश्यक है। अदरवाइज लोग यही कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी जाने के बाद भी इस देश में न्याय नहीं मिलता, सीबीआई जांच ऑर्डर कर देने के बावजूद इस देश में न्याय नहीं मिलता, मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए, अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुए, उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए भी हिंदुस्तान के अंदर न्याय के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, किसी को न्याय नहीं दिया जा सकता। कहने का मतलब ये फिर वही बात होगी जो कई सारे निगेटिव थिंकिंग वाले लोग कह रहे हैं कि चूंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आ गए हैं इसलिए इसमें किसी को कुछ नहीं होने वाला है, और वो थ्योरी इस विलंब की वजह से उसकी पुष्टि हो जाएगी। उम्मीद यही करनी चाहिए कि कल तक सुप्रीम कोर्ट इस मसले के सीरियसनेस को समझे और इस पे फैसला सुनाए, क्योंकि लगातार इस केस में एक से बढ़कर एक गवाह सामने आ रहे हैं। कैपिटल टीवी ने सबसे पहले इस बात का खुलासा किया था कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर ब्लैक मैजिक किया करती थी। कई सारे लोग इस पे सवाल भी उठाए, कई टेलीविजन चैनल ने फॉलो अप स्टोरी हम लोगों की स्टोरी देख करके की, लेकिन कल इसका खुलासा हो गया कि थाने में एक शख्स था जिसके पास सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती लेके गई थी। वो अपने आप को एक हीलर बताता है, स्पिरिचुअल हीलर बताता है। अब जो लोग इसको डिफेंड कर रहे थे ये कह रहे थे कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर खा मखा लोग आरोप लगा रहे हैं और ये लेफ्ट लिबरल कबाल जो साइंटिफिक टेंपर की बात करता है क्यों नहीं ये बता रहे हैं, क्यों नहीं ये लिख रहे हैं, कहां है वो आर्टिकल हिंदू अखबार में या फिर इंडियन एक्सप्रेस में, क्यों नहीं बता रहे हैं कि ये इस तरह के जो स्पिरिचुअल हीलर होते हैं, ये टोना टोटका करने वाले, ये जादू टोना करने वाले, ये ब्लैक एंड व्हाइट मैजिक करने वाले बिल्कुल ही इरेशनल, इलॉजिकल तरीके से लोगों को मूर्ख बनाते हैं। क्योंकि अब ये बिल्कुल साफ हो गया, क्योंकि उस शख्स ने टेलीविजन पे आकर ये बताया कि उसको रिया चक्रवर्ती ने कॉन्टैक्ट किया था, वो भी नेट पे नंबर उठा करके, और उसने दो बार सुशांत के ऊपर अपने ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल भी किया। अब ये ब्लैक मैजिक है, व्हाइट मैजिक है, स्पिरिचुअल हीलर है, ये तो वो जाने, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उनके ऊपर डॉक्टर के अलावा इस तरह की चीजों का भी एक्सपेरिमेंट चल रहा था सुशांत के ऊपर, इस बात की पुष्टि हो गई है। और सबसे उस बातचीत में उस स्पिरिचुअल हीलर ने जो खुलासा किया है वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत ने उससे कुछ बात नहीं की, वो डिप्रेशन में चल रहा है या नहीं चल रहा है ये सारी जानकारी रिया ने उस स्पिरिचुअल हीलर को दिया था। और अब ये भी पता चल रहा है कि एक बार वो एक स्पिरिचुअल हीलर के पास लेके गई थी और घर के एक नौकर ने खुलासा किया कि सुशांत के घर के अंदर भी तंत्र मंत्र का काम हुआ था। कहने का मतलब यह है कि किस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने इस पूरे चाल को रचा कि सुशांत सिंह राजपूत भी उस पर यकीन करने लग जाए कि वो डिप्रेशन का शिकार है। लेकिन इस थ्योरी को पूरी तरीके से निरस्त पवित्र रिश्ता के डायरेक्टर कुशल जावेरी ने जो बताया है वो दिमाग हिलाने वाला है।
मौत से ठीक 13 दिन पहले, ये कुशल जावेरी का दावा है, वो बता रहे हैं कि मौत से ठीक 13 दिन पहले उन दोनों के बीच बातचीत हुई थी और किस तरीके से वो बता रहे थे सुशांत सिंह राजपूत कि वो अपने आप को बिल्डअप कर रहे हैं, अपने आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए अपने आप को खुद को तैयार कर रहे हैं। और कुशल जावेरी का साफ साफ कहना है कि बहुत ही पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में थे। आपको याद होगा बहुत सारे ड्रीम्स सुशांत सिंह राजपूत ने लिखे थे, उसमें वन ऑफ द जो ड्रीम्स जो था वो ये था कि वो स्पिरिचुअल लाइफ में भी कुछ आगे बढ़ते जाना है इस तरह के काम में, तो वो उस चीज़ को कर रहा था वो सारी बातें। और जो सबसे बड़ी बात उसने कही कि उससे जो बातचीत हुई उसमें वो ज़रा सा भी डिप्रेशन का शिकार नज़र नहीं आ रहा था, ही वॉज नॉर्मल। और तो और उसने ये भी बताया, ये जावेरी साहब से इनकी दोस्ती 2008 से है और ये दोनों बहुत ही क्लोज मित्र हैं और वो साफ साफ इस बात को कह रहे हैं कि कोई भी आदमी ये अगर कहे कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा शख्स आत्महत्या कर सकता है तो इस पे बिलीव नहीं किया जा सकता है। अब जिस तरह के सबूत सामने आ गए हैं, अब सबूतों का तो अंबार लग गया है, 50-60 लोग ने आकर के, आप ये समझिए मुंबई में रह करके जान को हथेली पे रख कर लोग सुशांत के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं, अपनी अपनी कहानियां बता रहे हैं। और ऐसे में अगर सरकार यूं ही टक टक देखती रहेगी, सुप्रीम कोर्ट तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख लगाता रहेगा और सुशांत के गुनाहगार सबूतों को मिटाते रहेंगे तो न्याय मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोगों का विश्वास धीरे धीरे अब वो शेक करने लगा है और ये सरकार, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जिम्मेदारी है कि लोगों के विश्वास को वो फिर से सुदृढ़ करें। इस सिस्टम के प्रति हमारी नज़र सुप्रीम कोर्ट पे बनी हुई है, सीबीआई जो जांच कर रही है उस पे भी बनी हुई है। लगातार हम अपडेट आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।